गर्मी शुरू होते ही दिमाग में आमों का स्वाद लेने का विचार ना आए ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है कि इस बार हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में आमों का राजा कहे जाने वाले दशहरी आम का स्वाद किस तारीख से लेने के लिए मिलेगा। तो आपको बता दें कि इसकी तारीख सामने आ चुकी है, लेकिन एक बुरी खबर भी है। इस बार दशहरी आम अपनी तय तारीख से एक हफ्ता देरी से बाजार में आएगा। यानी अभी तक 5 जून की तारीख बताई जा रही थी, लेकिन अब 5 जून के बाद ही लोग इसका स्वाद बाजार में ले सकेंगे। इसलिए जो है, हम किसान भाइयों से कहेंगे अपना उत्पाद अभी रोकें, 5 जून के बाद ही अपनी जो है हार्वेस्टिंग शुरू करें, और एक्सपोर्ट के लिए 10 जून के बाद। एक्सपोर्टरों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपको इंटरनेशनल छवि दशहरी की बनानी है तो 10 जून के बाद एक्सपोर्ट के लिए माल भेजें। उससे पहले अगर भेजेंगे तो फिर वो कंसाइनमेंट में दिक्कत आ जाती है कि आपका आम इनमेच्योर नहीं था, इसमें रिंकल आ गई थी, सिकुड़न आ गई थी, इसलिए आपका कंसाइनमेंट रिजेक्ट होता है। कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने का मतलब 10-20-50 हज़ार रुपये का हो गया, ऐसा नहीं। वो हमारी इंटरनेशनल स्तर पर छवि जो वो होती है ख़राब, भारत की छवि खराब होती, हमारे उत्पाद की छवि खराब होती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम पैसे से नहीं तोल सकते हैं, इसलिए हमको बहुत सावधानी से, और इस साल तो एक हफ्ता तो आम दशहरी लेट है ही है, बिल्कुल 100% मान के चलिए आम हमारा लेट है। इसलिए 10 जून के बाद ही एक्सपोर्ट के लिए और मार्केटिंग के लिए आम उपलब्ध रहेगा, और उसको आप नेचुरल तरीके से भी पाल लगाएंगे तो पक जाएगा और उसमें स्वाद आएगा। सर, यानी मार्केट में हमें खाने के लिए कब से मिलेगा? 10 जून? हाँ, 5 जून के, 5 जून के जो पौधार और जो बड़े पेड़ों में अंतर होता है, जो पौधार जो होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, उसमें मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, बड़े पेड़ों में मैच्योरिटी थोड़ी सी देर से आती है। इसलिए किसान 5 जून से तोड़ेगा तो 5 दिन वो अगर पाल लगाता है तो 10 जून को मार्केट में खाने लायक आम आ जाएगा। अगर वो अभी 1 तारीख को, 28 तारीख को, 30 तारीख को तोड़ेगा और 5 दिन को, 2 जून को, तो वो खाने लायक बिल्कुल नहीं है, उसको आप बिल्कुल इस्तेमाल न करें, वो हानिकारक रहेगा आपके लिए। यानी दशहरी आम इस बार 10 जून के बाद ही मार्केट में बिकना शुरू होगा, और ये दशहरी आम असली स्वाद वाला और शुद्ध दशहरी होगा, जिसको न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में लोग पसंद करते हैं, और तो और विदेशों में भी दशहरी आम के स्वाद के लोग दीवाने हैं। यही वजह है कि किसानों ने भी इस बार शुद्ध दशहरी आम का ही स्वाद लोगों को देने का फैसला कर लिया है, और इसको पूरी तरह से पक जाने के बाद ही पेड़ से तोड़ने का ठाना है। फिलहाल आपको बता दें कि किसानों ने मौसम की मार और कीड़ों से बचाने के लिए इस बार अपने सभी आमों की बैगिंग कर दी थी। अभी तक आम सभी तरह से बैगिंग में ही है। 5 जून के बाद इनको निकाला जाएगा, जिसके बाद इसे मार्केट में भेजा जाएगा। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।